वेलकम बैक दोस्तों। आज 7 अक्टूबर और मैं आया हूँ मेरे घर पे, होम पे। और मैं वैसे तो मैं जॉब करता वहीं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता हूँ, मगर आज आया हूँ तो आज थोड़ा यहाँ जो कुछ भी प्लांट है उस पे काम करेंगे। तो यहाँ कुछ प्लांट आपको दिख नहीं रहे होंगे, कुछ रूट्स है। तो इस प्लांट का नाम है सतावर और उसका कोई स्टेम नहीं रहता, वो रूट से ही ग्रो करती है। यहाँ कुछ स्टेम जैसे छोटा सा भाग रहता है और इसमें से अभी ये ग्रो करने वाली, ये देखिए नए शूट्स आ रहे हैं। तो ये ऐसे तो निगलेक्ट ही था, उसका कोई, ये पहले अगले साल के स्टेम हैं जो कि डाईबैक हो जाते हैं और बाद में नहीं चले आते। तो आज मैं थोड़ा क्लीनिंग कर रहा हूँ इस प्लांट का। कुछ रूट्स भी डाईबैक हो जाते हैं और कुछ है जो इसमें खुराक रहती है उसकी। यहाँ देखिए यहाँ न्यू शूट्स आ रही है, देखिए नज़दीक से, और ये एक है। तो अभी उसका ग्रोथ होगा। तो उसके जो पुराने स्टेम है वो मैं निकाल रहा हूँ। वैसे तो ये प्लांट आपको शायद नर्सरी में भी ना मिले, ये मैंने वाइल्ड हार्वेस्टिंग किया था, बहुत कोशिशों के बाद ये हुआ है। बहुत सी बार मैंने इसको ट्राई किया था, ज़मीन में भी नहीं होता था, बाद में ये हुआ और ये अभी तक है। बहुत साल हो गए इसको, शायद 5-6 साल से भी ज़्यादा है। तो एक बार अगर ये प्लांट अच्छे से जम जाता है तो ये वर्षों तक रहेगा, क्योंकि उसके रूट्स भी डाईबैक होके फिर से नए हो जाते हैं। तो अभी तो यहाँ कुछ ग्रोथ नहीं है, यहाँ कुछ ग्रोथ हुआ है, यहाँ ग्रोथ है। और ग्रोथ होने के बाद ये एक क्रीपर या बेल है, ये अपने आप तो नहीं आगे बढ़ता, उसको आधार चाहिए। अगर फिर भी बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रीनरी वाला प्लांट है ये, तो मुझे ये पसंद था तो मैंने ये किया था। यहाँ एक दूसरा भी प्लांट है, पान फूटी बोलते हैं जिसको, यहाँ कुछ प्रोपोगेशन भी हुआ है उसका। यहाँ एक कैक्टस लगा है। तो ये प्लांट के मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये वैसे तो एक लैंडस्केप की तरह उसको तैयार किया जाए तो बहुत ही अच्छा लग सकता है, और जब ग्रीनरी आती है तब भी अच्छा लगेगा। तो सोच रहा हूँ उसका कुछ लैंडस्केप बना देंगे इस बार। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।